हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहीं पे इंतजार करता हूं, शायद वो टेररिस्ट यहीं पे मिल जाए। अरे ये क्या, ये तो वही आदमी है जो फोटो में है। हाँ वाकई वही है जो टेररिस्ट के साथ बैठा है। अच्छी किस्मत है मेरी, जिन लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं इंडिया से यहां आया उनमें से एक तो मिल ही गया। हो सकता है वो टेररिस्ट भी अंदर बैठा हो। हाय हाय, काम हो गया? हाँ, बहुत बड़ा बम फटने वाला है इंडिया में। बहुत अच्छा। जरूर ये उसी टेररिस्ट से मिलने जा रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं एक एक को। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं। जरूर कुछ होने वाला है। अब तो इसे पकड़ना ही पड़ेगा, कहीं ये मेरे हाथ से निकल न जाए। हाय, मैंने कहा हाय। डू आई नो यू?
नहीं, रात में काला चश्मा लगा कर रखा है तो सोचा जाकर हाय बोल ही दूं। चश्मा तेरा है क्या? हाँ, दिमाग खराब है। ये देख। कैफे कैफे पहचाना? हाँ। साथ में जो आदमी बैठा है वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। साथ में बैठा और तुझे मालूम नहीं है? हाँ? मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम है तू एक टेररिस्ट है। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन उनके साथ मिला हुआ है। आसपास ये जो लोग बैठे हैं ना, अगर उन्हें पता दूं तो मालूम है क्या होगा? मालूम है ना, लंदन की पुलिस पूरी तैयार बैठी है, बिना पूछे गोली मार देंगे तुझे। बोल क्या चाहिए, जिंदगी या मौत? अगर मैं बता दूंगा तो वो मुझे मारेगा, और नहीं बताया तो मैं तुझे मारूंगा। मेरे पास गन है, जल्दी बता नहीं तो गोली मार दूंगा। बता जल्दी से, नाम क्या है उसका? उसका नाम सैंचेज है, और इंडिया में बहुत कुछ होने वाला है। क्या? सैंचेज ने एक लिस्ट भेजी है, वो सब लोग मारे जाएंगे, बॉम्ब फटने वाले हैं। किसके पास है वो लिस्ट? नकुल के पास। क्या? नकुल? हाँ। मुझे सैंचेज के पास लेके चल। अगर नकुल का दांत टूटा है तो वो किसी ना किसी डेंटिस्ट के पास तो जरूर जाएगा। हाँ सर, यही मौका है उसकी गर्दन पकड़ने का। हाँ दया, कोई कितना भी बड़ा तोपचंद क्यों ना हो, दांत का दर्द एक ऐसी चीज है जिसे कोई ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। एसीपी पृथ्वीराज, तुम वही हो ना जो? आप मुझे जानते हैं सर? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें क्या लगा सीआईडी वाले यहाँ ब्यूरो में घोड़े बेचकर सोते हैं? तुम वही लड़की हो ना जो एसीपी प्रद्युमन की मदद कर रही है? आप ये सारी बातें जानते हैं सर? मेरा नाम एसीपी पृथ्वीराज, और इस वक्त तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी है। मैं जानती हूँ सर, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। सर मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का। सर मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर एसीपी प्रद्युमन लंदन में है। ये तो हमें भी पता है। हाँ सर, लेकिन आप ये बात नहीं जानते कि वो वहाँ नकुल की जड़ें खोदने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, जो बातें एसीपी प्रद्युमन को अपनी टीम के साथ शेयर करनी चाहिए थी उन्होंने तुम्हें बताई। सर उन्होंने ऐसा क्यों किया इस बारे में बाद में भी बहस हो सकती है, फिलहाल मैं जो यहाँ कहने आई हूँ वो तो सुन लीजिए। ऐसी क्या बात है? सर ये पूरा शहर बारूद के ढेर पर बैठा है। बारूद का ढेर? साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। सर एसीपी प्रद्युमन ने इन्फॉर्मेशन दी है कि नकुल इस पूरे शहर में जगह जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक घायल लोग अस्पतालों में लाए जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि सांता क्रूज के पास एक मेले में भयानक विस्फोट हुआ है, जहाँ पे बॉम्ब फटा है वहाँ पे चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी, कई लोगों के तो सिर्फ हाथ पैर ही मिले हैं। 150 लोगों की मौत हुई है और करीब 200 लोग घायल हुए हैं, इसमें से 20 की हालत बहुत गंभीर बताई जाती है। उस डेंटिस्ट के बारे में कुछ पता चला? शहर में एक एक दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे। ये नकुल किस डॉक्टर के पास गया होगा इस बात का पता लगा कि एसीपी प्रार्थ, आई एडमायर योर गट्स, यू मैनेज्ड टू अराइव इन इंग्लैंड एंड यू डेयर टू मीट मी हियर, ऑफ कोर्स यू नो इट वेल यू विल नॉट बी लिविंग अलाइव। मगर मरने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। Are you joking? This is not India. हाँ मुझे पता है, और इसीलिए तो तू अभी तक बचा हुआ है। You have managed to acquire a lot of respectability in society because of your ill-gotten wealth. लेकिन अब सब खत्म हो गया सैंचेज। You are going to be exposed. तेरा भांडा फूटने वाला है। Who will believe you? Here, you are nothing more than a murderer and a fugitive running from the law. I'll have you arrested. नहीं सैंचेज, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही पुलिस को बुला लिया है। Is this true? Yeah. अब फोड़ेगा बॉम्ब, अब बैठ जेल में पूरी जिंदगी।
हाँ सर, वो डेंटिस्ट मिल गया है जिसने नकुल के दांत का इलाज किया है। उसने नकुल को एक मेडिसिन खाने के लिए बोला है जिसका नाम है डेंट्रॉस। यस एक्सक्यूज मी। यस डेंट्रॉस नाम की दवाई किसी ने आपकी दुकान से कर दी है? डेंट्रॉस? जी हाँ डेंट्रॉस। कल से लेके आज तक किसी ने यह दवाई आपकी दुकान से कर दी है? आजकल में हाँ, कल शायद कोई डेंट्रॉस तो ले गया था। कौन ले गया था ये तो मुझे याद नहीं। देखिए मैं एसीपी पृथ्वीराज हूँ सीआईडी से, कहीं वो आदमी ये तो नहीं? हाँ सर, ये वही आदमी है, इसका दांत टूटा हुआ था। और कुछ याद है आपको इसके बारे में? जब वो यहाँ आया था तो उसके दोनों हाथ सामान से लदे हुए थे। किस तरह का सामान? पानी की बोतल, टिश्यू पेपर, बहुत सारा सामान था, पूरे काउंटर भर में फैला रखा था। ये सारा सामान हाथ में उठा के घूम रहा था? सर वो क्या है, आजकल प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं है ना दुकानदारों को, सामान लाने के लिए घर से ही थैला वैला लाना पड़ता है सर। हो सकता है वो आसपास ही कहीं रहता हो। कोई भी इंसान जब किसी नई जगह रहने के लिए आता है उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? खाना। बिल्कुल ठीक, इस एरिया के सभी रेस्टोरेंट छान मारो, नकुल अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसके गैंग के लोग भी होंगे और वो लोग जरूर किसी होटल से खाना मंगाते होंगे। तो इस एरिया में 5 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पंजाबी खाना मिलता है, और जिन घरों में और फ्लैट्स में वो खाना जाता है उसकी लिस्ट में लाई हूँ। सर यहाँ पर एक चाइनीज रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से करीब 15 जगह पर खाना भेजा गया है। हाँ जरा देखिए, क्या इसमें कोई ऐसा एड्रेस है जहाँ दोनों जगह से खाना गया हो? अक्सर जब आदमी किसी नई जगह रहने के लिए आता है तो वहाँ के तमाम होटलों में खाना खाता है, ये पता करने के लिए कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है। बंगलो नंबर 702, बंगलो नंबर 702, इस एड्रेस पर दोनों जगह से खाना गया। सर इस एरिया में जो मुगलाई रेस्टोरेंट है वहाँ से पार्सल का बिल बुक लेके आओ सर, इन सभी जगह पे पार्सल भेजा गया। दया जरा चेक करो, देखो क्या बंगलो नंबर 702 से कोई ऑर्डर है। हाँ सर है, मगर सर पिछले 2 हफ्ते से इस पते पे खाना भेजा जा रहा है, और एक खास बात है सर। क्या? करीब 10-12 लोगों का खाना भेजा जा रहा है इस पते पे। हो ना हो ये जरूर नकुल ही है। नकुल दरवाजा खोलो। नकुल बस बहुत हो गया,
अब और बॉम्ब नहीं फोड़ सकोगे, समझे? एसीबी सर, सर आप क्या? सर मारा क्यों नहीं उसे? I'm sorry सर, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों सर? उसके रगों में आपका खून दौड़ रहा है, वो आपका बेटा है। मैंने तुम्हें कुछ और ही सिखाया था पृथ्वीराज। दुश्मन के चेहरे पे कुछ लिखा नहीं होता है, ना वो किसी का बेटा होता है ना वो किसी का भाई, दुश्मन दुश्मन ही होता है। मैं जानता हूं सर, लेकिन लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा हुआ डैड, अच्छा हुआ आप आ गए। अब चलिए, जल्दी से छोड़ दीजिए मुझे। बकवास बंद करो नकुल, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। रदुमन, अपना बेटा चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, वो आखिर अपना बेटा ही होता है। और अपने बेटे पे गोली चलाने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, और वो दिल तुम्हारे सीने में है। सर मैंने पहले भी कहा है, दिल चाहे जितना भी कांपे, मगर गोली चलाते वक्त हाथ नहीं कांपने चाहिए। और वैसे भी नकुल को पकड़ने के लिए तारीफ तो इसे भी पृथ्वीराज की करनी चाहिए। नहीं सर, आपके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जानते सर, मैं सोचा करता था कि क्या बात है, दया और अभिजीत आपके खिलाफ एक भी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं सर क्यों। और यकीन मानिए, मैं भी आप ही की तरह बनने की पूरी कोशिश करूंगा। पृथ्वीराज, जब तुम पुलिस अकेडमी में स्टूडेंट थे तब से जानता हूं मैं तुम्हें, मुझे तभी मालूम था कि तुम बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हो। जिसके गुरु आप रहे हो सर, वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। खैर मैं चलता हूं सर, आई टेक योर लीव। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सर आप जा रहे हैं? हाँ अभिजीत, मेरी नई पोस्टिंग हो गई। नई पोस्टिंग? सर पृथ्वीराज को यहीं पर क्यों नहीं रहने देते? अरे तुम चाहते क्या हो प्रद्युमन, सीआईडी ऑफिस में दो दो एसीपी, ये तुम्हें हो क्या गया? नहीं सर, मैं तो वैसे ही। पृथ्वीराज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, चलो। राइट सर, बाय एवरीबॉडी। वो सर आपकी एक चीज रह गई है। क्या? सर आपकी एक गन। गन? ये गन का क्या चक्कर है? वो सर ये गन डीआईजी साहब ने हमें दी थी आपको मारने के लिए। क्या? मुझे मारने के लिए? वो मैं देखना चाहता था कि दक्ष के साथ साथ कहीं ये भी बिक तो नहीं गए। सर आपने कहा था कि एसीपी की लाश लेकर आओ। मेरी लाश? अभिजीत तुम्हें पता है ये गन कहां से आई है? नहीं सर। ये गन लावारिस नहीं है, ये मेरी गन है, मेरी सर्विस गन। इसमें से निकली हुई हर गोली पे मेरा नाम लिखा हुआ है, समझे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.